The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों. आज हम explanation करेंगे new release Telugu movie खुशी. इस movie में lead role में है विजय देवरकोंडा और समंता प्रभु. ये एक comedy drama romance genre की movie है. ये movie आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और video के end में आप लोगों के लिए कुछ gift भी है. तो explanation end तक जरूर देखना. Movie के शुरुआत में हम World Science डे के प्रोग्राम पे डॉक्टर लेनिन सत्यम को देखते हैं, जो कि साइंस को ही सबसे बड़ा मानता है. उनके हिसाब से पूजा पाठ भक्ति श्रद्धा कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए. उनका ये मानना है टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अगर हम भक्ति श्रद्धा करने लगे तो हम और पीछे चले जाएंगे. और ये है उनका परिवार. ये ब्रिटिश माँ बेटी जो आप देख रहे हो, ये इनके बड़े बेटे का है. और ये है उनकी पत्नी जो कि भगवान का वीडियो लैपटॉप में चला के पूजा कर रही है. इसके पीछे भी कारण है क्योंकि पूरे घर में कोई भी भगवान का तस्वीर नहीं है, क्योंकि लेनिन सत्यम भगवान वगैरह में कुछ मानते ही नहीं, वो पूरा नास्तिक है. पर उनकी वाइफ इन सब में बहुत विश्वास करती है, तो उनसे छुप के वो वीडियो के थ्रू भगवान को पूज रही है. उनके पत्नी को छोड़ के पूरी परिवार ही नास्तिक है. और ये है उनका छोटा बेटा बिप्लव, जो कि ऑफिस जाके अपने मैडम से रिक्वेस्ट करती है कि मैम मुझे कहीं दूर पोस्टिंग करा दीजिए, कहीं खुली वादियां जहां पर मैं थोड़ा एंजॉय कर पाऊं. तब उसकी मैडम बोलती है इधर तुम जॉब करने के लिए आए हो, कोई वेकेशन मनाने के लिए नहीं. पर जब बिप्लव बहुत रिक्वेस्ट करता है तो उसका पोस्टिंग कश्मीर में लगा देते हैं. तब हम लोगों को पता चलता है कि विप्लव टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता है BSNL के. वो तुरंत बोरिया बिस्तर बांध के कश्मीर के लिए रवाना होता है. और ये स्टेशन पे जो उसको रिसीव करने के लिए आए हैं वो है प्रीतोबास. वो इधर ही कश्मीर एक्सचेंज में काम करते हैं और वो विप्लव का जूनियर है. फिर क्या, वो लोग गाड़ी में बैठ के एक्सचेंज की तरफ जाने लगते हैं. विप्लव को बहुत मजा आ रहा था, उसको तो लग रहा था कि ये एक हेवन है. कश्मीर के सुंदर सुंदर वादियां, बर्फ से भरे हुए पहाड़, उसको बहुत मजा आ रहा था. पर उसकी खुशी कुछ टाइम की ही थी. उसके गाड़ी के साइड में एक बॉम्ब गिरता है. तभी अचानक ही इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के बीच उधर युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि रास्ते के उस साइड ही पाकिस्तानी बॉर्डर है और उधर ही गोलाबारी शुरू हो जाता है. विप्लव ये सिनेरियो देख के बहुत डर गया था. फिर कैसे भी बचते बचाते वो लोग एक्सचेंज में पहुंचते हैं. फिर क्या, अगले दिन से मुसीबत शुरू. टॉयलेट साफ नहीं था इसलिए उनको बाहर ठंड में ही बैठना पड़ा. धोने के लिए जो पानी लाया था वो भी जम जा रहा था. आए दिन कर्फ्यू लग जाता था, इंटरनेट भी बंद होता था, खाना मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था. खाने के लिए सिर्फ उनको एप्पल ही मिलता था. मानो विप्लव को अब कश्मीर से नफरत जैसी होने लगा. वो मैडम को कॉल करती है, पर मैडम बोलती है तुमने ही पोस्टिंग लिया था ना, अब उधर कुछ टाइम तक ड्यूटी करो. फिर हम देखते हैं विप्लव और प्रीतोबास नदी के दूसरी छोर जा रहे थे नाव से. तब विप्लव को दूसरी बोट में अरध्या दिखती है, जो कि मुस्लिम बुर्खा में बैठी हुई थी. और देखते ही विप्लव को उससे प्यार हो जाता है, मानो फिर से विप्लव को कश्मीर पसंद आने लगता है. फिर अरध्या और उसकी दोस्त विप्लव को नोटिस करती है. वो लोग आपस में बात करते हैं, हमारी आइडेंटिटी बाहर ना निकल जाए, हमको जल्दी इधर से निकलना पड़ेगा. तभी वो लोग जल्दी जल्दी उधर से जाने लगते हैं, पर विप्लव मानो चुंबक की तरह उनकी तरफ खींचे जा रहा था. तब उसकी दोस्त बोलती है हमारा पीछा मत करो, हम टेररिस्ट फैमिली से ताल्लुकत रखते हैं, हमारा भाई फिरोज इधर खो गया है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए हम लोग इधर आए हैं. तब विप्लव बोलता है बेगम मैं आपके लिए ढूंढ दूं फिरोज को. तब पितोबाश उसको समझाता है कि भाई वो टेररिस्ट फैमिली से ताल्लुकत रखती है और वो पाकिस्तान से भी है, तू मारा जाएगा. तब विप्लव बोलता है इनके लिए तो मैं 100 बार भी मर सकता हूँ. तब अरध्या उसको देखती रहती है. ये सब कुछ देख के अरध्या की दोस्त उसको खींचते उधर से लेके जाती है और वो लोग एक बाजार पहुंचते हैं. तभी उनका बॉस का फोन आता है. वो बोलते हैं क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन तुम लोगों के पास है. असलियत में वो लोग एक ऑफिस वर्क के लिए इधर आए थे. वो छुपके छुपाते उधर से निकल के पूरा कश्मीर घूम रहे हैं. और अरध्या का सपना है कि वो महाबलेश्वर भगवान के दर्शन करे, क्योंकि कश्मीर में थोड़ा रिस्क रहता है इसीलिए वो लोग बुर्का पहन के घूम रहे हैं. फिर उस बाजार के इलाके में विप्लव और प्रीतोबास भी आ जाते हैं और उन लोगों से मुलाकात हो जाता है. तब विप्लव बोलता है मैं आप लोगों का अच्छे से मदद करता हूँ. और वो एक माइक लेके बोलने लगा कि ये है बेगम और उनका भाई फिरोज इधर खो गया है, जिसका नाम फिरोज है वो आ गया है. तब बहुत सारे फिरोज नाम के लोग आगे आने लगे और बोलने लगे मैं फिरोज हूँ और मैं अपने बहन को अपने साथ लेके जाऊंगा. तब विप्लव बोलता है उनका भाई बहुत ही छोटा है, आप जैसा नहीं. पर सिचुएशन तब तक बिगड़ चुका था, तब उन लोगों को उधर से भागना पड़ता है. फिर भागते भागते वो लोग पहुंचते हैं माँ वलेश्वर मंदिर पे और अरध्या अंदर जाके मन्नतें और पूजा करती है. विप्लव मंदिर के बाहर खड़ा हुआ
था उसको तब भी लग रहा था कि आराध्या एक मुस्लिम है। उन लोगों से बचने के लिए और इलाका सेफ ना होने की वजह से उन लोगों को रात को टेलीफोन एक्सचेंज में ही रुकना पड़ा। और तभी उसके दोस्त के फोन पे मैनेजर का कॉल आता है और वो बोलता है, हम 2 दिन में ही निकलने वाले हैं, तुम लोग जहाँ पर हो एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, हम उधर से ही तुम लोगों को पिक कर लेंगे। फिर रात को विप्लव बेगम के लिए बीफ बिरयानी लाता है, पर आराध्या उसको देखते ही उल्टी कर देती है। तब उसकी दोस्त बोलती है, ये एक मुस्लिम वेजिटेरियन है, पाकिस्तान में भी वेजिटेरियन होते हैं। फिर वो अगले दिन फिरोज को ढूंढने लगते हैं, हर एक जगह वो लोग फिरोज को ढूंढते हैं, मदरसे में, अलग अलग इलाके में जाके। इसी के साथ ही साथ आराध्या, उसकी दोस्त, विप्लव, वो सब लोग कश्मीर को एंजॉय कर रहे थे। और फिर रात को आराध्या उसकी दोस्त से बोलती है, मुझे लगता है हमको विप्लव को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। तब उसकी दोस्त बोलती है, अगर उसको पता चल गया ना कि ये सब कुछ झूठ था, अभी बवाल खड़ा हो जाएगा, तू ज्यादा सोच मत, कल मैनेजर आएगा, उसी के साथ ही हम लोग इधर से निकल जाएंगे। फिर सुबह जब विप्लव रूम में आता है, उधर बेगम और उसकी दोस्त नहीं थी, तब पितोबाश हंस के बोलता है, बेगम ने तो सर आपको चूना लगा दिया, वो तो अब तक अमृतसर जाके वाघा बॉर्डर पार करके निकल गए होंगे पाकिस्तान के लिए। तब विप्लव बोलता है, अगर उसके लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़े मैं तब भी जाऊंगा, अब तुम मेरे साथ जल्दी स्टेशन चलो। फिर वो लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं और पाकिस्तान जाने वाले हर एक कोच में जाके विप्लव चेक करता है। तब वो देखता है कि पुणे जाने वाली एक ट्रेन में बेगम बैठी हुई है। फिर भागते हुए विप्लव उस ट्रेन में चढ़ता है और बेगम को अपनी पूरी मन की बात बताता है और ये बोलता है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और ये भी बोलता है, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, ये पाकिस्तान नहीं, ये पुणे जाएगा। फिर आराध्या को भी सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो बोलती है, मैं पुणे जा रही हूँ, उधर ही मेरा घर है और मैं शुद्ध हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और बाकी जो भी स्टोरी था, क्यों उसने बुरखा पहना, सब कुछ उसने विप्लव को बताया। इसी के साथ साथ ये भी बोलती है, पर इन दिनों में तुमने जैसे मेरी मदद की, तुम जैसे मुझे पसंद करने लगे, मैं भी तुमको वैसे ही पसंद करने लगी। तभी पीछे से एक पंडित गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। तभी विप्लव बोलती है, अपना अटर पटर बंद करो, हम लोग इधर इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। तभी आराध्या बोलती है, तुम ये कैसे बोल सकते हो, ये तो शुद्धि मंत्र है, हमारे घर में भगवान को सब लोग मानते हैं और तुम मेरे पापा को शायद जानते होंगे, वो भक्ति टीवी में आते हैं, आचार्य भादेकर जी। ये बात सुन के मानो विप्लव शॉक हो जाता है और बोलते हैं, मेरे पापा का नाम है लेनिन सत्यम। तब आराध्या बोलती है, मेरे पापा तो तुम्हारे पापा को एकदम टॉलरेट नहीं कर पाते, हम लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं। तब विप्लव बोलते हैं, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, अगर हम दोनों चाहे तो। फिर हम लोग एक न्यूज चैनल में डिबेट होते हुए देखते हैं, जिधर आचार्य जी और सत्यम आमने सामने हैं। आचार्य जी बोलते हैं, अगर ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे हमको खाना स्नान कुछ नहीं करना चाहिए। तब सत्यम बोलते हैं, हल्का कब होना है ये भी आप बता दीजिए, इस बार मेरी पूरी फैमिली ग्रहण के टाइम छत पे बैठ के बिरयानी खाएगा, देखते ही हमारा क्या होता है। इस सिनेरियो से आप समझ सकते हो लेनिन सत्यम और आचार्य जी के बीच 36-36 का आंकड़ा है। रात को विप्लव अपने माँ को आराध्या और उसके पूरे परिवार के बारे में बताता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और ये बात से राजी हो जाती है, पर उनको डर था कि सत्यम क्या सोचेंगे। फिर अगले दिन माँ बेटे आचार्य जी से मिलने के लिए भी जाते हैं और प्रपोजल रखते हैं कि मेरे बेटे के साथ आपका बेटी का आप शादी करा दीजिए, और अपना परिचय भी देते हैं। और घर आके वो जो अपनी बेटी से पूछती है और ये बोलती है, तुमको पता है तुम किस घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो, लेनिन सत्यम की, उन घर में सब लोग नास्तिक है और हम लोग इधर भगवान का पूजा करते हैं। तब आराध्या बोलती है, विप्लव अपने पापा की तरह नहीं है, आप पापा एक बार उससे मिलके तो देखिए। घर के बुजुर्ग के कहने पर आचार्य जी मान जाते हैं और दूसरी तरफ लेनिन सत्यम को भी माँ बेटे मिलके मना ही लेते हैं कि उनसे एक बार मिलके देखिए। वो लोग एक दूसरे के घर में नहीं मिलते, मिलने के लिए उन्होंने चूज किया मेट्रो। कुछ देर तक तो वो लोग एक दूसरे से बात नहीं की, एकदम चुप करके बैठे रहे। फिर आचार्य जी बोलते हैं, विप्लव का जन्म कुंडली मुझको जरा दो। विप्लव की माँ ने वो जन्म कुंडली अपने साथ लेके ही आई थी। वो जन्म कुंडली पढ़ के आचार्य जी बताते हैं, कुंडली में दोष है, ये लोग एक साथ नहीं रह सकते और मृत्यु शंका के भी दोष मुझे दिख रहे हैं। ये लोग अगर एक साथ रहे इनका लाइफ कभी सुखी नहीं होगा। तब विप्लव की माँ घबरा जाती है और बोलती है, इसका कोई तोड़ तो होगा आचार्य जी। तब आचार्य जी बोलते हैं, बाप बेटे को मिलके महामृत्युंजय यज्ञ कराना पड़ेगा और गौमूत्र से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। ये बात सुन के सत्यम बहुत गुस्सा जाता है और बोलता है, मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ ये बोल रहा है, मैं ये सब कुछ कभी नहीं करूंगा, भले इन लोगों की शादी ना हो। और ये बोल के उधर से अपने फैमिली को लेके चले जाते हैं। फिर घर जाके वो दोनों लोग अपने फैमिली के खिलाफ हो जाते हैं और बोलते हैं, आप लोगों के बिना भी हम लोग खुश
रह सकते हैं, आप लोगों की जरूरत नहीं है हमें। फिर क्या, वो लोग घर से निकलते हैं और एक साथ जाके शादी करते हैं। विप्लव अपने ऑफिस के मैडम के घर ही रुकते हैं। मैडम अपने पति मैथ्यू के साथ रहते हैं और उनकी बेटी आंचल अभी केरला में है। फिर क्या, वो लोग एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे। वो लोग एक साथ बहुत खुश थे, देखने में ये लग रहा था कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत खुशहाल चल रही है। और अरध्या हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगी, देखते देखते साल निकल गया। फिर उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई। फिर क्या, अरध्या और विप्लव बहुत खुश थे और डॉक्टर के केबिन में बैठ के विप्लव अपने दोस्त को बताता है कि हम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं और तुम मिठाई लेके जल्दी हॉस्पिटल पहुंच। और वो खुशी की खबर रवि हर जगह बता देता है। आचार्या के घर में जब ये बस पहुंचता है, सब लोग शॉक हो जाते हैं कि मेरी भविष्यवाणी कैसे भूल हो सकती है। फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर उन लोगों को बताता है एक बैड न्यूज है, 6 महीने में मिसकैरेज हुआ है, आप लोग जल्द ही क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कराइए। ये बात सुन के मानो उन दोनों के पैरों से जमीन हिल चुकी। अरध्या तब फूट फूट के रोने लगी और उसको विप्लव ने संभाला। फिर विप्लव अरध्या को घर में लेके जाता है और तभी उधर सत्यम जी आते हैं और उधर आचार्य जी भी मौजूद थे। उनको बोलने लगे, मैंने बोला था ना ये सब कुछ अंधविश्वास होता है, कुछ नहीं होता। देखो आज अरध्या प्रेग्नेंट हो चुकी है, इनकी खुशहाल मैरिड लाइफ भी चल रही है, आपकी विद्या गलत साबित हो गई, आप जो ये भंड चीज करते हो ना ये सब कुछ बंद कर दो। अरध्या के पापा का इतना इंसल्ट होते हुए देख के अरध्या बोलती है, मेरा मिसकैरेज हुआ है, पापा सही थे। तब आचार्य जी बोलते हैं, बेटी मैंने बोला था मेरी विद्या कभी गलत नहीं जाती, तुम लोगों को मृत्युंजय यज्ञ करा लेना चाहिए था। समय बीतता गया और उन लोगों में धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने लगी। लड़ाई कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती थी कि वो लोग हफ्ते भर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अरध्या के कहने पे विप्लव ने अपना टेस्ट भी करा लिया था, टेस्ट पे भी वो पॉजिटिव ही था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी उन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा था। तब अरध्या बोलती है, एक बार हम लोग मृत्युंजय यज्ञ करा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तब विप्लव बोलता है, इसे पता है मेरे पापा के इमेज को कितना नेगेटिविटी मिलेगा, अरे ये सब कुछ साइंस है, हम लोग ज्यादा स्ट्रेस रह रहे हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। फिर क्या, अरध्या और विप्लव के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर ऑफिस में विप्लव की मैडम उसकी बेटी के जन्मदिन में उन लोगों को एलपी आने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं अरध्या को भी बुला लेना, उसको अच्छा लगेगा, हो सकता है तुम लोगों को एक नया फ्रेश स्टार्ट मिले। तब विप्लव जाके अरध्या से बोलती है, मैडम की बेटी का जन्मदिन है, हम लोगों को एलपी जाना पड़ेगा, मैडम ने हम लोगों का इतना मदद किया, हम उनके लिए इतनी सी चीज तो कर ही सकते हैं। फिर क्या, वो लोग एलपी के लिए निकलते हैं और बोट में भी उन लोगों का झगड़ा होता है। फिर रात में जब वो लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि आंचल के फोटो में हार चढ़ा हुआ था, सब लोग राउंड करके उसके लिए क्लैप कर रहे थे और उसके सामने एक बर्थडे केक रखा हुआ था। वो सब कुछ सिनेरियो देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। लोगों के जाने के बाद मैडम बोलती है, जब आंचल हुई थी वो प्रीमेच्योर बेबी थी, उसके हड्डियां बहुत ही नरम थे, डॉक्टर ने बोला था ये मैक्स टू मैक्स 6 महीने जिंदा रहेगी। तब मैथ्यू ने मेरा साथ दिया और बोला आंचल को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। तब मैथ्यू मानो आंचल की दूसरी माँ बन के उसकी दिन रात ख्याल रखता था। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, हमारी आंचल 5 साल तक जी, फिर भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, पर मैथ्यू ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ हमेशा था, बस दोनों में इतना प्यार हो के एक दूसरे के तकलीफ को तुम लोग समझ पाओ और हम लोग अभी एक दूसरे के सहारे ही जी रहे हैं। फिर रात खत्म होती है और अगले दिन सुबह अरध्या किसी को बिना बताए बोट साइड पे चली जाती है। विप्लव उसको ढूंढते हुए बोट साइड पे जाता है, तब अरध्या बोलती है, हमारा जो भी साथ था शायद इतना तक ही था, हम कभी भी एक साथ खुश नहीं रह सकते, हर दिन छोटे छोटे बातों पे झगड़ा, एक दूसरे को ना समझना, फैमिली का सपोर्ट भी ना रहना, इससे अच्छा हम लोग अलग हो जाते हैं। ये बोल के उधर से चली जाती है। फिर क्या, मानो विप्लव की जिंदगी ही उजड़ गई है, वो सुबह शाम सिर्फ अरध्या के बारे में सोचने लगी, उसके साथ बिताते हुए हर एक दिन वो सिर्फ याद करता था। और उसको तब रियलाइज होता है कि अरध्या के बिना वो नहीं रह सकता। फिर वो सीधा पहुंचता है आचार्य जी के घर और बोलता है, मैं और मेरे पापा यज्ञ करने के लिए रेडी है, और अपने पापा को भी वो मना लेते हैं। और सत्यम भी अपने बेटे के परिवार को टूटते हुए देख के उसको भी झुकना पड़ा। वो लोग यज्ञ के हर एक प्रवाह को करते हैं जो कि एक संपूर्ण यज्ञ में जरूरी है, और ये सब कुछ ना चाहते हुए भी सत्यम अपने बेटे के लिए कर रहा था। तब मानो भगवान को भी ये यज्ञ रास नहीं आया, उन्होंने बारिश करवा दी और यज्ञ को रुकवा दिया। तब आचार्य जी बोलते हैं, भगवान के लिए हम जो भी करते हैं अगर उसमें हमारा भक्ति ना हो, भगवान वो दान नहीं लेते जो अभी अभी हमारे सामने हुआ, तुमने तुम्हारे बेटे के लिए ये किया है, भगवान के लिए नहीं, इसलिए भगवान ने भी ये यज्ञ को रुकवा दिया। पर मैं भी क्रोध में अंधा हो गया था, इन सारी चीजों के बीच में मैं मेरी बेटी की खुशी देखना ही भूल गया। और दूसरी तरफ विप्लव भी अरध्या से माफी मांग रहा था और अरध्या से ये
ये बोलता है मैं भी तुम्हारा मैथ्यू बनूंगा, तुम्हारा हर एक सिचुएशन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे लिए अपने पिता अपने भगवान तक भी छोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। फिर अयोध्या भी उसको माफ कर देती है। ये मूवी तो इधर ही खत्म हो गया, पर आप लोगों के लिए हमारा फ्री सर्विस अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमारा नया प्रोडक्ट ये रहा। Hey guys, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप, अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।